Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math questions for you are, first question is, express 60 as the sum of twin primes. And second question is, express 28 as the sum of two odd primes. चलो जानते हैं इन questions को हम कैसे करेंगे. So first question, express 60 as the sum of twin primes. तो देखो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए ट्विन प्राइम्स हम किसको बोलते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर तो ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब ऑड नंबर लगातार आने वाले, मतलब जैसे वन के बाद ऑड आता है थ्री, तो वन एंड थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. या हम कहें थ्री के बाद ऑड नंबर आता है फाइव, तो थ्री एंड फाइव ऑड नंबर हैं. ऐसे ही हम कहें इलेवन के बाद ऑड नंबर आता है थर्टीन, तो इलेवन एंड थर्टीन ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. बात समझ में आई, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है एंड ऑड का मतलब वो ऑड होने चाहिए. लेकिन अगर ऑड कंसेक्यूटिव नंबर अगर प्राइम हो तो हम उनको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब वो ऑड भी हों, कंसेक्यूटिव भी हों और प्राइम भी हों, तीनों बातें होनी चाहिए, तो उनको हम ट्विन प्राइम्स बोलेंगे. ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वन है एंड थ्री है, तो क्या वन एंड थ्री ट्विन प्राइम्स हैं? देखो वन एंड थ्री ऑड नंबर्स हैं, दोनों दोनों ही कंसेक्यूटिव भी हैं क्योंकि वन के बाद ऑड नंबर थ्री आता है. ठीक है, तो ऑड कंसेक्यूटिव तो हो गए बट वन प्राइम नंबर नहीं है, तो वन एंड थ्री ट्विन प्राइम्स नहीं होंगे. वहीं पर अगर हम बात करते हैं थ्री एंड फाइव की, तो देखो थ्री एंड फाइव दोनों ही ऑड नंबर हैं, दोनों ही कंसेक्यूटिव हैं क्योंकि थ्री के बाद केवल फाइव ही ऑड नंबर आता है, तो इस तरीके से दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर भी हैं. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कह सकते हैं थ्री एंड फाइव कैसे नंबर हैं, ट्विन प्राइम्स हैं. ऐसे ही फाइव एंड सेवन भी ट्विन प्राइम्स हैं. क्या सेवन एंड नाइन ट्विन प्राइम्स हैं? देखो सेवन एंड नाइन ऑड कंसेक्यूटिव तो हैं, ऑड नंबर भी हैं, दोनों कंसेक्यूटिव भी हैं बट प्राइम नहीं है, नाइन नंबर प्राइम नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं होगा. तो हमको इस तरीके से पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम्स किनको बोलते हैं. ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी ट्विन प्राइम्स क्या है. अब हमको 60 को इस तरीके से लिखना है कि वो दो ट्विन प्राइम्स का सम हो. तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. सबसे पहले 60 हमने लिखा, फिर हमने उसका हाफ किया, हाफ क्या हो गया 30. अब 30 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 29 एंड 30 में 1 ऐड कर दिया तो 31. ठीक है, तो 29 एंड 31 दोनों ही कैसे हैं, ट्विन प्राइम्स हैं. देखो दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों ही ऑड नंबर हैं, दोनों ही कंसेक्यूटिव भी हैं. तो इसको निकालने का मेथड क्या है कि जो भी नंबर गिवन है क्वेश्चन में उसका हाफ करो और उसमें से एक बार वन माइनस कर दो और एक बार वन प्लस कर दो, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है. और अगर ऐसा करने पर आंसर नहीं आए तो उसके ट्विन प्राइम हो ही नहीं सकते. तो इज इट क्लियर कि हम ट्विन प्राइम्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 28 एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स. मतलब हमको 28 को इस प्रकार से लिखना है कि वो टू ऑड प्राइम नंबर का सम हो, मतलब दो ऑड नंबर और प्राइम नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनको ऐड करने पर 28 आ जाए. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर पर, ऑड प्राइम नंबर पर. ठीक है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, दैट इज थ्री. तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर थ्री है, तो थ्री में क्या ऐड करें कि वो 28 हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में 28 पूछा है, हमको सम करना है. तो थ्री में हम 25 को ऐड करेंगे. अब हम चेक करेंगे कि 3 एंड 25 दोनों ही प्राइम हैं क्या. देखो 3 तो हमने स्टार्टिंग में ही प्राइम लिया था कि 3 में हमें ऐड करना है 25. अब 25 को चेक करते हैं बट 25 तो प्राइम होता नहीं, तो दैट मीन्स ये हमारा जो आंसर है ये गलत हो गया. अब हम सेकंड नंबर लेते हैं, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है अपने आप सोचो, 3 के बाद जो प्राइम नंबर हो बताओ, तो वो होता है 5. तो हमने नीचे लिख दिया 5. अब 5 में क्या ऐड करें कि वो 28 बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन को हमें क्या बनाना है, 28 के इक्वल बनाना है. तो 5 में हम 23 ऐड करेंगे. अब 23 को चेक करेंगे, क्या 23 प्राइम नंबर है? यस, देखो 5 भी प्राइम हो गया, 23 भी प्राइम हो गया, तो 28 है वो 5 एंड 23 इसके सम के इक्वल हो गया, मतलब दोनों ही ऑड नंबर्स हैं एंड प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही प्राइम नंबर हो गए, ऑड प्राइम नंबर्स हो गए, इनके सम के इक्वल 28 आ गया. तो हम लिख देंगे 28 इज इक्वल टू 5 प्लस 23, हमारा आंसर हो गया. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ऑड प्राइम्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम क्वेश्चन
I have given you two questions. First question, express 36 as the sum of twin primes, and second question is express 84 as the sum of two odd primes. So aap in questions ko solve karo and inka answer comment section mein likhkar answer batao. So thank you.